तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो देखिए, कुछ इस वाले पेपर में जो मैं आपको बता रहा था, इसमें कुछ चार पांच क्वेश्चंस और अपने रह गए थे, तो वो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ NGR इन ट्रांसफार्मर। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? टू लिमिट द अर्थ फॉल्ट करंट। ठीक है फ्रेंड्स, पिछले कई सारे मैं वीडियोस बना चुका हूँ इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो आ चुके हैं और ये आने वाले हैं, तो ज़रूर चेकआउट करना। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, ज़रूर चेकआउट करना। और फ्रेंड, जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आप इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर और इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अपना सेकेंड क्वेश्चन है, देखिए, इफेक्ट ऑफ लो पावर फैक्टर, यानी अगर पावर फैक्टर अगर आपका लो हो जाता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है आपके सिस्टम में। तो देखिए, फर्स्ट ही उसका ऑप्शन सही है, हाई एनर्जी लॉसेस, जो लॉस होता है एनर्जी का वो ज़्यादा होने लगता है। कभी भी आप ध्यान रखिएगा कि जैसे लो पावर फैक्टर होगा तो उसका एनर्जी लॉसेस उसका लो होगा, हाई होने लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, इसका ये हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे तो वैसे आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए क्या है ये, इफेक्ट ऑफ हाई पावर फैक्टर, अगर पावर फैक्टर अगर हाई हो जाता है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, लो एनर्जी लॉसेस। ठीक है, ये बिल्कुल उसका उल्टा है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ हाई पावर फैक्टर, अगर पावर फैक्टर आपका ज़्यादा है तो एनर्जी लॉसेस आपका कम होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, क्या बोलेगा ये, वो भी अपन देख लेते हैं। देखिए, इन अर्थ न्यूट्रल सिस्टम पावर सिस्टम, द वोल्टेज एक्सीडिंग 1.1 kV एंड अप टू 11 kV एंड ओपन कास्ट माइनिंग, द फॉल्ट करंट शुड बी लिमिटेड टू। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है 5 एम्पियर। अब इसके 99 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिस्ट्रिक्टेड न्यूट्रल सिस्टम ऑफ द पावर सप्लाई इन माइंस हैज द एडवांटेजेस ऑफ ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, रिड्यूसिंग हीटिंग इफेक्ट इन इक्विपमेंट, रिड्यूस स्ट्रेस इन सर्किट्स इक्विपमेंट, कैन फॉल्ट करंट एंड रिड्यूस शॉक बर्न एंड फायर हैजार्ड्स। ठीक है, इसके सारे ऑप्शन इसका करेक्ट हैं। अब फ्रेंड्स, अपना लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये शायद 100 क्वेश्चन। हाँ ठीक है, अकॉर्डिंग टू CEA मेजर ऑफ सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिकल सप्लाई रेगुलेशन 2010, द लेंथ ऑफ द ट्रेनिंग केबल्स ऑफ SDL शुड नॉट एक्सीड 100 मीटर। तो फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता है, ये किसी भी बुक में नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आप लोगों को ये सारी वीडियोस बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो में। फिर से मैं नए क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके, जो आपके इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और फ्रेंड्स, स्क्रीन पे जो आप लोगों को प्लेलिस्ट दिख रही है, इस प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट करना, इसमें मैंने सारी वीडियोज़ डाल दिए हैं इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड। और फ्रेंड, जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, स्क्रीन पर जो चैनल का आइकन दिख रहा है ना, इस आइकन को प्रेस करके जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ मैं आप लोग अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।